नमस्कार। पत्रिका टीवी की खास पेशकश यूथ एंड सोल्जर, भविष्य की संभावनाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद पालावत। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्स यानी भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। यूथ एंड सोल्जर के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था अग्निपथ योजना के बारे में, और अब इस दूसरे एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे कि आखिर अग्निपथ योजना में आवेदन कैसे किया जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। साथ ही आपको हम बताएंगे कि कब कौन सी भर्ती आयोजित हो रही है और उसकी आखिरी तारीख क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की, और सबसे पहले आपको बताते हैं भर्तियों के बारे में। दानापुर में अग्निवीर भर्ती चल रही है। ये भर्ती यहां पर शुरू हो चुकी है 1 दिसंबर से, और ये 14 दिसंबर तक ये अग्निवीर भर्ती यहां पर चलेगी। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड की सभी जिलों की महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर भर्ती होगी, और ये भर्ती 14 दिसंबर को केवल महिलाओं के लिए होगी, जबकि 13 दिसंबर तक इस भर्ती में 7 जिलों के पुरुष भर्ती में शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें दानापुर में भर्ती जो है वो शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीर की भर्ती आयोजित हो रही है। छत्तीसगढ़ के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की यदि भर्ती की बात करें तो यह भर्ती 13 दिसंबर तक चलेगी पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में। यहां पर इस भर्ती के अंदर नौजवान बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं। 13 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है। राजस्थान के युवाओं के लिए भी बड़ा ही सुनहरा मौका है अग्निवीर बनने के लिए। जी हां, जोधपुर एआरओ के तहत पुरुषों के लिए 12 दिसंबर तक भर्ती आयोजित होगी। जोधपुर एआरओ के तहत ये भर्ती यहां पर आयोजित हो रही है, जिसमें राजस्थान के सिरोही, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर जिलों के युवा शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि कई जिलों के जो युवा है वो यहां पर आ सकेंगे। साथ ही वायुसेना के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा 18 से 24 जनवरी 2023 के बीच आयोजित होगी। तो ये थी भारतीय सेना से जुड़ी भर्तियां। ऐसे में यदि हमारे युवा साथियों ने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द वे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप आर्मी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। हमारे वो स्पेशल गेस्ट है कर्नल आरएस भंडारी साहब। भंडारी साहब, आपसे रूबरू हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। 33 साल की आर्टिलरी में विशिष्ट सेवा के बाद साल 2000 में वे रिटायर हुए। इसके बाद आप 8 साल तक सेबी में फाउंडिंग कंट्री हेड प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी रहे। सेबी के बाद आप 2 साल मुंबई में इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के साथ विजिटिंग फैकल्टी भी रहे। 6 साल पहले कर्नल भंडारी जयपुर लौटे और मार्गदर्शन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज की उन्होंने शुरुआत की, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी के क्षेत्र में कार्यरत है। कर्नल भंडारी में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने और सलाह देकर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का एक बेहद जुनून है। इसलिए अब वे पत्रिका टीवी पर आपसे जुड़कर बताएंगे कि आखिर किस तरह आप देश सेवा कर सकते हैं। कर्नल भंडारी साहब, स्वागत है आपका पत्रिका में। नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक अपने आप में बेहद खास है, और वो टॉपिक है हमारा अग्निवीर भर्ती में आवेदन से लेकर और डॉक्यूमेंट तक सब चीजों की जानकारी इस बुलेटिन में हम आपको देंगे कि अग्निपथ में जब आप आवेदन करेंगे तो उसको लेकर के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। भंडारी साहब, आपसे रूबरू हूं, उनका पहला सवाल हम लेते हैं। भंडारी साहब, सेना भर्ती कब और कहां आयोजित होती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में युवा जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें इस बात की जानकारी कहां से मिल सकती है कि सेना भर्ती कब कहां आयोजित हो सकती है और उसके लिए वे आवेदन कैसे करें। जो आवेदन की खबर है, जो पब्लिसिटी है, वो सबसे पहले जो तीनों सेनाओं के अंग हैं उनके वेब पोर्टल्स पे की जाती है। इसके अलावा आर्मी की जो भर्तियां होती हैं उनके लिए एआरओस, जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स हैं, वो नोटिफिकेशन निकालते हैं। वो नोटिफिकेशन उनके ऑफिस में भी डिस्प्ले होते हैं और वेबसाइट पे होते हैं। तो मेरी
तो ये जो आवेदन प्रक्रिया, क्या ये ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन? या पहले मैं कंप्लीट कर लूं कि नेवी के अंदर ये इंफॉर्मेशन नेवी और एयरफोर्स में ये आता है, अपना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार में आता है, उसके अलावा वेबसाइट पे भी दिया जाता है। अब आते हैं कि ये ऑनलाइन होती है या फिजिकली एप्लीकेशन देनी पड़ती है। आज के इस युग में सारी भर्तियां ऑनलाइन होने लगी हैं, इसके लिए ये करीब खुलती है 60 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला जाता है और 45 दिन तक भी, कई बार 45 दिन पहले भी दी जाती है और कम से कम 1 महीने तक भर्ती की एप्लीकेशंस की सुविधा दी जाती है अभ्यर्थी को। अब आते हैं कि ये ओपन जो ऑनलाइन भर्ती है ये क्यों शुरू की गई है। इससे सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार को रोकती है, दूसरा है कि अभ्यर्थी बड़े आराम से अपने घर बैठे सारा डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट ये कि इसके अंदर जो कट ऑफ मार्क्स हैं, क्योंकि आप निश्चित करिए कि कई जगह पर कैंडिडेट्स इतने होते हैं कि मैनेज करना मुश्किल होता है, तो कट ऑफ मार्क्स का अप्लाई किया जाता है, जैसे नेवी या एयरफोर्स के अंदर, आर्मी में अभी तक ये नहीं किया जा रहा है। और लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें रिक्रूटिंग प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो गया है जब से ये ऑनलाइन हुआ है। सर बिल्कुल, ऑनलाइन होने के बाद में रिक्रूटिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी तेज हो गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो कैंडिडेट है जो अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है, तो आवेदन से पहले उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो, उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। इसके लिए, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के मन में कहीं ना कहीं ये समस्या, कहीं ना कहीं शंका होती है कि आखिर वो किन किन बातों का ध्यान रखें इस दौरान। आपने सही फरमाया कि कई एप्लीकेशंस रिजेक्ट की जाती हैं क्योंकि वो ठीक तरह से भरी नहीं गई हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम जो अभ्यर्थी को उठाना पड़ेगा वो ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी हिदायतें दी गई है एप्लीकेशन भरने के बारे में, उनको फॉलो करें। सेकेंडली, आप अपनी शारीरिक, अपनी आयु और शैक्षिक जो आपकी पात्रता है उसको आप चेक करें कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर और अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, इसके अलावा आपका ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है उस पोर्टल पे, नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के पोर्टल पे जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर आप रजिस्टर करिए। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन को अपडेट करिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के बाद में, आपको ये ज़रूरी है कि आप उसको, आप जिस स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी चेक करिए, क्या आप उसके लिए पात्रता पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके नेक्स्ट कदम आपको उठाना चाहिए कि अपना प्रोफाइल वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे बनाएं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप तैयार करिए, उनकी अच्छी फोटोकॉपीज बनाइए, उनका आपका फोटोग्राफ भी, जो उनके आदेश हैं उसके हिसाब से फोटोग्राफ तैयार करिए, जितनी डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग की ज़रूरत है उनको आप स्कैन करिए, अच्छी क्वालिटी स्कैनिंग करिए, उनकी साइज़ और फॉर्मेट सही होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जब हम एप्लीकेशन भरने जाते हैं कहीं पे भी, तो हमें अचानक पता लगता है कि मेरा फॉर्मेट ठीक नहीं है या मेरी फाइल की साइज़ कम या ज़्यादा है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा अभ्यर्थियों को या जो एस्पिरेंट्स हैं भविष्य के, कि आवेदन या तो खुद करें अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करिए, और जितनी भी एप्लीकेशन की कार्रवाई है वो आपकी निगाह में होनी चाहिए, यकीन करते हुए कि कोई भी गलत डाटा की नहीं गई है। सर बिल्कुल, आपने ये बड़ी चीज़ कही है, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ई मित्र वाले के पास जाते हैं या किसी शॉप के पास जाते हैं और वहाँ पर जा करके और अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फिलअप करने की जिम्मेदारी उनको दे देते हैं, तो उसके कारण गलतियों की संभावनाएं भी बढ़ती है। सर सही, बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में सर, दूर दराज के जो स्टूडेंट्स हैं
या जो गांव के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो इस तरह की जब चीजें कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सर विशेष रूप से? उनके लिए भी यही बात कहूँगा कि जैसे मैंने कहा जिस पे आपको विश्वास है, आपका पारिवारिक कोई व्यक्ति है, आपका कोई अच्छा मित्र है, या ई मित्र में भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं या दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फैसिलिटीज़ हैं एप्लीकेशंस के लिए जो फॉर्म्स बना रखे हैं उनको इस्तेमाल करें। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं पर भी रहता हो, आपको यकीन करना है कि आपकी डाटा आपके सामने की इन की जा रही है और करेक्टली की जा रही है। और इसके लिए और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन आपने लगा दी है तो उसका प्रिंटआउट ज़रूर लीजिए, क्योंकि उससे आप उसको चेक कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं कि जो मैंने डाटा डाला है या डलवाया है वो सही डाटा है। सर जैसे कि एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल कर दी और उसमें यदि कोई गलती होती है और उसको बाद में इस चीज़ का ध्यान पता चलता है कि हमसे ये गलती हो चुकी है, तो ऐसे स्थिति में क्या एडिट का ऑप्शन मिल सकता है स्टूडेंट को? फॉर्म में सुधार कर सकता है यदि उसने कोई ऐसी जानकारी फिल की है जो जानकारी गलत दर्ज हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको एडिट ऑप्शन मिल सकता है उस पर? नहीं, एक बार जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है उसके बाद में, उससे पहले बेटर ये होगा कि आप सबमिट करने से पहले उसको प्रीव्यू करें, वो बेहतर होगा, क्योंकि बाद में करेक्शन करने की सुविधा नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है कि करेक्शन की जो सुविधा है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, तो ऐसे में जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो अभ्यर्थी हैं यदि वे इस तरह से आवेदन कर रहे हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो भी एप्लीकेशन में जानकारियां दी गई हैं वे बिल्कुल सही हो। सर जिस तरह से आपने बताया कि फोटो स्कैन सही होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का स्कैनिंग सही होना चाहिए, अब हम आपसे बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, कौन कौन सी मार्कशीट जो है वो यहाँ पर चाहिए होती है, मूल निवास की बात करें, या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए एक अभ्यर्थी के पास होने चाहिए? जो डॉक्यूमेंट्स हैं भर्ती के लिए वो हर एक किस कैटेगरी में आप जा रहे हैं उस पर निर्भर करते हैं जी। एक तो ये है, और आप आर्मी के लिए हैं, नेवी के लिए हैं, एयरफोर्स के लिए हैं, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स में वेरिएशन है, तो अपन स्पेसिफिकली सारे डॉक्यूमेंट्स को इधर नहीं कवर कर पाएंगे। बट जैसे आपने पूछा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के, तो मिनिमम कम से कम 10वीं का सर्टिफिकेट आपने अगर 10वीं किया है और 10वीं से ऊपर की आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी 10वीं का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट इम्पॉर्टेंट है। बाकी हायर क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट की पद्धति है हमारे देश में वो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि पूरे देश में सब जगह से सैनिक या अग्निवीर भर्ती हों, इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र आप बनवाएं उस जगह का जहां आप रहते हैं या रहते आए हैं। और आप कभी भी डबल मूल निवास प्रमाण पत्र मत रखिए अपने पास कि एक मैं जिस गांव का हूं वहां का है, अब मैं जयपुर रहता हूं तो मैंने जयपुर में बना लिया, क्योंकि आप एक ही जगह अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके दोनों पकड़े गए, जो कि यकीनन पकड़े जाएंगे ऑनलाइन के ज़माने के अंदर, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आखिरी 6 महीने का होना चाहिए। अभी इसके अलावा क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे बोनस मार्क्स मिलते हैं, जैसे एनसीसी है, स्पोर्ट्स हैं, या जैसे आप कईयों को छूट मिलती है हाइट के अंदर या चेस्ट में या दूसरे फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर, जैसे फौजियों के बच्चे हैं उनके लिए जो छूट है, या आदिवासियों के लिए छूट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये डॉक्यूमेंट सही बनाएं ताकि आपको छूट का लाभ मिल सके, और इनकी ये डॉक्यूमेंट कभी फर्जी नहीं होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये जो जिसमें छूट मिलने के या जिसमें बोनस मार्क्स मिलने के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो इस तरह के पाए, उनकी हमेशा जांच पड़ताल की जाती है 100% की। मैं एक और
कमी जो कई बार आती है, मैं मान लीजिए एक अभ्यर्थी पहुंचता है और उसने एक डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, तो आम तौर से रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले उसी दिन वो डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं, वो आपको बोलेंगे, समय दे देंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रखे हुए हैं या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी हायर क्वालिफिकेशन के लिए दे रखे हैं, तो आपको प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा और वो दिखाना पड़ेगा, तभी आपका वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट माना जाएगा। और फाइनली जब अगर आप सेलेक्ट हो गए, एनरोल हो गए, तो आपको ओरिजिनल तब तो 100% ला के देना पड़ेगा। कई बार ये देखने में आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो एक से ज़्यादा जगह पर अप्लाई कर देते हैं अग्निवीर भर्ती में, और एक से ज़्यादा फॉर्म उनके द्वारा फिल कर दिए जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? क्या कोई ज़्यादा चांसेज उनको यहाँ मिल सकते हैं, या ऐसा स्टूडेंट्स क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं इस चीज़ को लेकर? ऐसा है सब कि अभ्यर्थी आम तौर से जो सिस्टम्स अभी ऑनलाइन बने हैं उसमें एक ही कैटेगरी के लिए दो एप्लीकेशन तो लगा नहीं पाएगा। बिल्कुल लगाएगा, वो मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, अगर वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यूज़ करेगा दूसरी जगह का तो पकड़ा जाएगा। अगर वो ऐसी कैटेगरीज है, मान लीजिए आर्मी के अंदर चार कैटेगरीज हैं, जीडी की है, नर्सिंग इसकी अपना टेक्निकल है मान लीजिए, या क्लर्क की है, तो क्लर्क के लिए भी अप्लाई करता है और वो जीडी के लिए भी अप्लाई करता है, तो उसकी एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होती है, दो नहीं एक्सेप्टेबल होती है, वो 100% है, कभी नहीं होगा। अब क्यों अभ्यर्थी करते हैं? अपना स्कोप बढ़ाने के लिए करते हैं। वो उनको ये नहीं समझ आता है कि जैसे एयरफोर्स की मान लो भर्ती है, एयरफोर्स की जो भर्ती का प्रोसीजर है उसमें वो कहते हैं कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हुए या आप पास हो गए, तो अगर आपकी के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर हैं तो हम दूसरी कैटेगरी में भी आपको ले सकते हैं। तो वो ऑप्शन जहाँ दिया है वो तो ठीक है, जहाँ नहीं दिया गया तो बेहतर है कि आप एक के लिए अप्लाई करें। सर, आर्मी जो है वो टाइम की बड़ी पंक्चुअल मानी जाती है, जो सैनिक है हमारे देश के वो टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल जाने जाते हैं, लेकिन जब भर्ती होती है तो उस दौरान ये देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, उस लास्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, और तब जाकर के वे अपना फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। एक लंबा समय जो है, करीब 60 दिन का समय दिया जाता है, जिस तरह से आपने पहले बताया कि नोटिफिकेशन आ जाता है 60 दिन पहले, और उसके बावजूद भी स्टूडेंट हमेशा ये वेट करते हैं कि हमें लास्ट डेट पर अप्लाई करना है। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। ये 80-20 का फॉर्मूला जो हम जिंदगी में सबके लिए लागू है कि हम 80% काम लास्ट 20 मिनट्स में करते हैं जीवन के अंदर, तो उसी तरह से एप्लीकेशन में भी यही होता है। बट मैं अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा कि आप अप्लाई करें, अपनी जैसे ही भर्ती खुलती है कोशिश करें आप पहले वीक में अप्लाई कर दें, उसकी तैयारी आप पहले किए हुए होना चाहिए, क्योंकि आपने किस कैटेगरी में जाना है ये आपको पहले पता है, आपने अपनी एलिजिबिलिटी भी पहले चेक कर ली है, डॉक्यूमेंट्स भी आपने पहले तैयार कर लिए हैं जैसे हमने अभी आपको बताया है। तो कृपया करके एप्लीकेशन पहले ही लगाइए, पहले, बाद में क्या होता है कि जब सब कोशिश करते हैं तो फिर डिफ़िकल्टीज आती है, वेबसाइट हैंग हो जाती है या और टेक्निकल कोई इश्यूज़ आ जाते हैं ऑनलाइन इसके अंदर। सर, एक और बड़ी बात यहाँ पर कि जब भर्ती होती है, कोई भी भर्ती, चाहे अग्निवीर भर्ती की बात करें या किसी सामान्य भर्ती की, वहां पर अभ्यर्थियों की ओर से ये होता है कि वे अपनी जो पुरानी फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करते हैं, क्योंकि वो अक्सर हुआ ये करता है कि एक सिस्टम में उनके पास फोटो सेव होती है, एक फोल्डर वो बना लेते हैं और हर बार उसी भर्तियों के लिए उस फोटो को काम में लेते रहते हैं। तो अग्निवीर भर्ती जब होगी और ऐसे स्थिति में जो पुरानी फोटो, या क्या कोई फोटो का ऐसा टाइम बाउंडेशन है कि इतने दिन पुरानी फोटो होनी चाहिए, और यदि स्टूडेंट ज्यादा पुरानी फोटो लगा देते हैं उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है उनकी भर्ती के दौरान? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। फोटोग्राफ है, उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो नोटिफिकेशन में डिटेल में दिए हुए हैं, पहली बात उसको फॉलो करें। कलर्ड पिक्चर्स आजकल लगती हैं जी, रिसेंट पिक्चर होना चाहिए, रिसेंट का मतलब है कि 3 महीना समझ लिया आप, उससे पुराना मत लगाइए।
अच्छी क्वालिटी के पेपर के ऊपर, फोटो पेपर के ऊपर ही उसको प्रिंट कराइए। अगर आप सिख नहीं हैं तो आपके बाल नॉर्मल कटे हुए होने चाहिए, चेहरा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, आप टोपी सिर पे नहीं होनी चाहिए, आपका कोई दूसरा इस तरह का आपने गले में मफलर या कोई कान में बंद किया हुआ कोई चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका चेहरा और आपका पासपोर्ट साइज़ का जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल आपकी क्लियर आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना मेन एम है। कुछ वेबसाइट हैं, जैसे अगर आप एयरफोर्स की अग्निवीर वायु की वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये फ़ोटो चलेगा ये फ़ोटो नहीं चलेगा। तो आप इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में पढ़िए, क्योंकि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको फॉलो करिए, फोटोग्राफर्स की राय पे मत जाइए। सर कई बार ये होता है कि जब हमारे भर्ती आवेदन लिए जाते हैं तो उसके दौरान राजस्थान की यदि भर्तियों की बात करें तो सभी में यह है कि जो बॉडी पर आपका कोई बॉडी मार्क जो है वो वहां पर इंगित करवाना पड़ता है, तो क्या अग्निवीर भर्ती में भी ऐसा होता है कि आपका कोई बॉडी मार्क जो है वो वहां बताना पड़े ताकि आगे उसकी जो पहचान है वो हो सके आसानी से? आइडेंटिफिकेशन मार्क तो हर जगह लागू होते हैं, जैसे अपन इवन लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो उसके लिए भी दो भरने पड़ते हैं। तो आप जब भी आइडेंटिफिकेशन मार्क अपना चुनते हैं वो चेहरे पे होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, दिखता हुआ आइडेंटिफिकेशन मार्क ही आप दीजिए। कोई कट है, कोई मोल है, कोई आपका सर्जरी हुआ है, कहीं पे कट हुआ है, तो ये मतलब आप उस तरह की चीज़ को ही देखिए जो कि चेहरे पे है। अन्यथा क्या होगा कि जब आप आइडेंटिफिकेशन मार्क जो नहीं दिख रहा है, मान लीजिए मैंने लिख दिया कि पेट के ऊपर मेरा तिल है और वो फिर कपड़े उतारे बिना नहीं दिखता है, इसलिए वो फिर आपसे जब आप हूबरू होंगे सामने तो वो फिर देख के दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क निकालेंगे। जी बिल्कुल, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो बिल्कुल ऐसा दिखना होना चाहिए जो कि आपकी बॉडी पर सामान्य तौर पर दिखता हुआ हो। यूथ एंड सोल्जर में हम आपको मौका देते हैं कर्नल साहब से सवाल पूछने का। सर एक सवाल आया है, वो है गीतांजलि, एक फीमेल कैंडिडेट है, उनका ये सवाल है कि क्या अग्निवीर भर्ती में गर्ल्स को कोई स्पेशल रिजर्वेशन होता है? जिस तरह से यदि हम राजस्थान की भर्तियों की बात करें तो 33% का रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो हमारे यहाँ पर है, तो क्या अग्निवीर भर्ती में इस तरह का कोई प्रोविजन है कि कितनी परसेंट महिलाओं को रिजर्वेशन यहां पर दिया जाएगा कुल पोस्ट का? अग्निवीर भर्ती तीनों सेना के अंगों में जेंडर न्यूट्रल है, जी पहली बात। सेकेंडली, आर्मी के अंदर अभी तक लड़कियों की भर्ती सिर्फ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में की जा रही है, तो उनकी भर्ती आमतौर से अलग ही की जा रही है, और उनकी जनरली एक भर्ती के दौरान में ओवरऑल ऑल इंडिया बेसिस पे 100 का बैच ऑलमोस्ट लेते हैं वो। अब आते हैं नेवी और एयरफोर्स। नेवी और एयरफोर्स में उन्होंने सारे स्ट्रीम्स के लिए खोला हुआ है महिलाओं का एंट्री। परसेंटेज कितना है ऐसा कोई फिक्स नहीं है और ना ये कोई कभी होने वाला है, क्योंकि आर्म फोर्सेस का जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे और किस ट्रेड में भर्ती की जा रही है। कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें महिला हो सकती है, कुछ में महिला का होना शायद उपयुक्त ना हो, इसलिए वो परसेंटेज के ऊपर नहीं होगा, पर आप ये मान के चलिए कि अच्छा परसेंटेज होगा। तो बिल्कुल गीतांजलि, शायद आप जो जवाब है उससे संतुष्ट होंगे। सर सबसे आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन करने में जुट चुके हैं या आवेदन करना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप, पहली बात है कि कोई भी डॉक्यूमेंट लेने ले रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, ऑथराइज सोर्स से लीजिए। डॉक्यूमेंट का यकीन करिए कि जो उसमें चीज़ें लिखित होनी चाहिए वो लिखी हुई हैं, क्योंकि आप धोखा नहीं खाएं कि, क्योंकि जल्दी जल्दी में सरकारी काम में जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं कई बार कई चीज़ें त्रुटियां रह जाती है। अपने डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेट मत करिए, लेमिनेट करने से फोटोकॉपी पुअर होती है, और कुछ चीज़ अगर हम चेक करना चाहते हैं भर्ती के स्टाफ पीछे की साइड में या, तो वो चीज़ फिर फाड़ना पड़ता है उसको।
तीसरा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हमेशा सेफ रखिए, भीगने मत दीजिए, उनको गंदा मत होने दीजिए। टेंथ पास सर्टिफिकेट मैंने जैसे पहले ही बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जो आपका नाम है, आपका जो आधार में नाम है, बाकी आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो सेम होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि आपका जो मोबाइल है और आधार से लिंक होना चाहिए आपका पर्सनल मोबाइल, क्योंकि वेरिफिकेशन आपकी कई चीज़ें हैं वो उसके द्वारा की जाती हैं। अगर आप 8 पास हैं, मैट्रिक पास हैं, मतलब ओपन स्कूल से आपने मैट्रिक किया है, तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उससे आपका सर्टिफिकेट्स को मतलब काउंटर साइन होने चाहिए, ताकि वो उनका ओरिजिनलिटी कंफर्म हो जाती है। आजकल सिंगल अकाउंट होना भी ज़रूरी है अभ्यर्थी का, पैन कार्ड भी ज़रूरी है और आधार भी ज़रूरी माना गया है, आधार हमेशा साथ लेके जाएं। और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने रिक्रूटमेंट स्टाफ के अलावा किसी को कभी मत दें, जो आपको धोखा देंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पाके ही देते हैं। लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप फोटोस्टेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसको सेल्फ अटेस्टेशन करके लेके जाइए। तो ये सब चीज़ों से आपका बाद में जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी, आपको निराशा नहीं होगी कि मैं डॉक्यूमेंट्स या मेरी एप्लीकेशन की कमी के कारण मैं रह गया। जी बिल्कुल, तो ये तमाम वो बातें थी जो अग्निवीर बनने के लिए हर एक अभ्यर्थी को जानना जरूरी है कि एप्लीकेशन से लेकर डॉक्यूमेंट तक उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे कर्नल भंडारी, जिन्होंने आज हमें बताया एप्लीकेशन से लेकर डॉक्यूमेंट तक की हर एक जानकारी। अगले रविवार जब हम मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर। साथ ही पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए arvind.palawat@in.patrika.com पर। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको मिलेगा उन तमाम सवालों का जवाब भी। तब तक के लिए बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।